हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोस्टल एंगलर। तो दोस्तों, फिर एक बार हम शॉप पे हैं और कुछ नए जिग्स के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि जीफिन ब्रांड का है। बहुत ही ज़बरदस्त जिग्स है, इपॉक्सी कोटेड जिग्स है, यानी जो नॉर्मल जिग्स होते हैं उसके ऊपर ही एक नया टाइप का जिग आया है जो कि रेजिन कोटेड है। यानी जो मेटल जिग है उसके ऊपर एक कोटिंग आता है रेजिन का, तो उसको हम इपॉक्सी जिग कहते हैं। और इसका मेन फ़ायदा ये है कि दोस्तों, आपके जो जिग्स हैं इनके कलर्स इतने जल्दी ख़राब नहीं होंगे और ये ज़्यादा रिफ्लेक्शन मारेगा आपके पानी में, इस वजह से आपको ज़्यादा मछली मिलेगी और आपका जिग बहुत ही टाइम तक ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज इस जिग्स के बारे में और कौन से कलर हैं, और हम इस वीडियो में जिग्स यूज़ भी करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों इसके ऊपर हम रिज़ल्ट भी निकालेंगे कि दोस्तों ये कितना इफ़ेक्टिव है। और आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो के एंड में हमें ज़रूर बताएं कि दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इन जिग्स को ऑर्डर करना है तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप घर बैठे इसको ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या वैरायटीज ऑफ जिग्स है जो हमारे शॉप्स में अवेलेबल है दोस्तों। सो गाइस, ये पहले जो है टाइनी ड्रॉप, ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव जिग है गाइस, 60 ग्राम का है। और उसके बाद में ये आएगा ल्यूर फैक्ट्री का ब्लेड, ये 40 ग्राम्स और 30 ग्राम्स में अवेलेबल है। और ये आएगा स्ट्रॉन्ग का जिग, गोमुकू जिग, 50 ग्राम्स में अवेलेबल है दोस्तों। और बाकी आएंगे लुकाना के मेटल जिग्स जो कि 30, 40 और 50 ग्राम्स में अवेलेबल है, और इनका प्राइस है 160 रुपीज़ ओनली गाइस। और ये आएगा पावर जिग्स जो 40 और 50 ग्राम्स अवेलेबल है। तो दोस्तों, फिर ये आएगा इपॉक्सी जिग्स जो कि 30 ग्राम्स, 40 ग्राम्स और 56 ग्राम्स में अवेलेबल है। बहुत ही ज़बरदस्त जिग्स है दोस्तों, बहुत ही ख़तरनाक रिफ्लेक्शन है इनके। और फिर है बकटेल्स, ये देखिए बकटेल्स का पूरा कलेक्शन अवेलेबल है दोस्तों। सो गाइज, दिस आर सम ऑफ द न्यू जिग्स फ्रॉम जीफिन ब्रांड विच आर कोटेड, इपॉक्सी कोटेड, वेरी ब्रिलियंट कलर्स गाइज। सो द मेन डिफरेंस इज, जो नॉर्मल जिग्स है दोस्तों, ये नॉर्मली इनके कलर बहुत जल्दी निकल जाते हैं। ये देखिए आफ्टर स्क्रैचिंग द कलर इज कमिंग आउट, कलर निकल जाते हैं। तो ये जो जिग्स है, दिस आर कोटेड। तो ये देख सकते हैं इसके ऊपर एक कोटिंग है, प्लास्टिक कोटिंग गाइस। तो इवन इफ यू रब इट, नो स्क्रैचेस, कलर ओन गो। ये देखिए गाइस, इतना स्क्रैच करने के बाद में भी कुछ कलर नहीं जाता है इसका। तो दिस आर द नॉर्मल जिग्स, विल लूज कलर वेरी फास्ट। क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग है दोस्तों, सुपर रिफ्लेक्शन। सो गाइज, टोटली वी हैव अबाउट 10 कलर्स।
सो गाइज लेट्स लुक एट द अंडर वाटर एक्शन ऑफ दिस जिग। तो दोस्तों देखते हैं ये जिग का अंडर वाटर एक्शन कैसा है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लैटरिंग फॉल है गाइज। आप देख सकते हैं कि ये साइड टू साइड फॉल कर रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन है। अगर कोई प्रेडिएटरी फिश होगा तो ऑब्वियसली इसको उठा लेगा। ये देखिए फॉल कैसा हो रहा है साइड टू साइड। और इसका स्ट्रेट रिट्रीव में भी बहुत ही बढ़िया एक्शन है। आप अगर इसको स्ट्रेट कास्ट करेंगे और नॉर्मल रिट्रीव करेंगे स्पीड में तो भी इसको गाइस फिश विल स्ट्राइक। ये देख सकते हैं आपको स्लो मोशन में किस तरह से ये जो जिग है वबल कर रहा है साइड टू साइड। और ये देखते हैं हम थोड़ा स्लो मोशन में जिग का एक्शन को थोड़ा स्टडी करते हैं। दोस्तों जब भी आप जिगिंग करें तो ये मोशन और ये एक्शन को आपको दिमाग में रखना है और वैसे ही इसको पिच करना है जिस टारगेट लोकेशन में आपको मच्छी पकड़ने के चांसेस हो सकते हैं वहाँ पे ऐसे ही इसको ट्विच करना है। सो गाइज मैं आया हूँ फिशिंग करने के लिए मिरकरवाड़ा के जट्टी के ब्रेक वाटर पे। तो यहाँ पे यूजुअली कोकेरी मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए आज ये जो नया जिग है इसको ट्राई करके देखते हैं, इस पर हमें कुछ एक्टिविटी मिलेगा। और दोस्तों मैं आज जिगिंग करने वाला हूँ बेट कास्टर सेटअप के ऊपर, जिसमें मैं रील यूज़ कर रहा हूँ डाइवा का टैट्यूला 200 HD और रॉड यूज़ कर रहा हूँ लुकाना प्रेडिएटर 7 फिट बेट कास्टिंग रॉड। और लाइन है कास्किंग का लाइन 25 पाउंड का लाइन यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आज इस नए जिग के ऊपर हमें क्या लगेगा। और इस सेटअप पर जिगिंग करना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हम आज कोशिश करेंगे बेट कास्टर सेटअप पे जिगिंग करते हैं। दोस्तों Oh my god, small fish in the place. A small trevally guys on a new epoxy jig.
फाउल हुक बट blue line grouper, let's drop him back. Second fish. Fish. Once again, rice. Foul hook, fourth fish. Guys, even after bumping so many times in the rocks, you see the color still not faded. Has to be a little good size, guys. Oh ho 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 ho, beautiful size. Trivali. Good size on a silver jig. Epoxy ka damal. Okay guys, zabardast size ka laga hai. Unexpectedly, a good catch.
more fish. Whoa! Catching hell lot of fish. So guys, एक मछली हमारे इस बिल्ली ने लेके गायब कर दिया है, तो no worries guys. ये देखिए ये जिग के ऊपर मिला दोस्तों. सो गाइस, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जिग्स के ऊपर कोकेरी फिश पकड़े. तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, और साथ ही साथ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.